रफ्तार कार का कहर देखने को मिला। तेज रफ्तार कार पेड़ से टकरा गई। हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। पेड़ से टकराने के बाद कार खाई में गिर गई। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। कार सवार रसूलाबाद से ग्वालियर जा रहे थे। साल थाना अंतर्गत लहरापुर कंचौसी मार्ग पर गंगादास बाबा मंदिर के पास एक फोर्ड फिगो गाड़ी से जिस पर 7 लोग सवार थे, मूल रूप से रसूलाबाद के रहने वाले थे, एक शादी समारोह में ग्वालियर जा रहे थे। गंगा बाबा दास मंदिर के पास वाहन अनियंत्रित होकर के एक पेड़ से टकरा गई। इसमें 3 व्यक्तियों की मौके पर मृत्यु हो गई तथा 4 व्यक्ति घायल हो गए। घायलों को इलाज जरिए एम्बुलेंस CSC सहार भेजा गया। मृतकों को पंचायतनामा भर पोस्टमार्टम के लिए चेजर भी भेजा गया है। इस संबंध में उनके परिजनों को अवगत करा दिया गया है। मौके पर शांत व्यवस्था कायम है, अग्रिम विधिक कार्रवाई। प्रतिदिन की भांति की जा रही जनसुनवाई के क्रम में पुलिस अधीक्षक सोनभद्र द्वारा जनता दर्शन में आए फरियादियों की समस्याओं को सुना गया। जनसुनवाई के दौरान प्राप्त शिकायतों के शीघ्र एवं गुणवत्तापूर्वक निस्तारण हेतु संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। झांसी में पुलिस का ऑपरेशन क्लीन जारी। रक्सा थाना क्षेत्र के ग्राम पठारी रोड के पास पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें 25,000 का शातिर गौ तस्कर के पैर में गोली लगने से घायल हो गया। थाना रक्सा के 2022 के गोकसी के मुकदमे में वांछित इनामिया अपराधी रमेश बंजारा, जिसमें 25,000 रुपए का इनाम भी था, आज स्वाट टीम और थाना रक्सा की पुलिस टीम के साथ मुठभेड़ हुई है, जिसमें घायल हुआ है। इसको घायल को हॉस्पिटलाइज करा दिया गया है। ये मैं आपको बता दूं कि ये कोटा का रहने वाला है। इस पर लगातार हम लोग इसकी गिरफ्तारी के प्रयास कर रहे थे, गिरफ्तार न होने की वजह से इस पर 82 की कार्रवाई कराई गई थी, जिसका तामिला कोटा कराया गया था। इससे कुर्की से बचने के लिए ये झांसी आया हुआ था और छुपते छुपाते हुए नगरा होते हुए शिवपुरी रोड से होते हुए अपने घर की तरफ जा रहा था। स्वाट टीम और थाना रक्षा की टीम के द्वारा जब इसकी घेराबंदी की गई तो इसने टीम पर फायर कर दिया। जवाबी फायरिंग में इसको चोट लगी। कितने फायर किए इसने? इसने 2 फायर किए। जवाबी फायर में इसको एक फायर पुलिस टीम द्वारा किया गया, जिसमें इसको चोट लगी है और इसके पास से मोटरसाइकिल और अवैध तमंचा बरामद हुआ है। तेज रफ्तार में आ रही 2 बाइक आमने सामने से भिड़ गई। बाइक सवार समेत 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीयों की मदद से घायलों को अस्पताल में पहुंचाया गया। चिकित्सकों द्वारा 3 को हालत गंभीर देखते हुए जिला अस्पताल रेफर किया गया। सोनभद्र SP के द्वारा की गई बड़ी कार्रवाई। जिले के पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा ने जिले के चर्चित 45 कांस्टेबल हेड कांस्टेबलों को डायल 112 का ड्राइवर नियुक्त कर दिया।